दोस्तों आज हम लोग फिर से देखेंगे त्रिकोणमैत्री चैप्टर का, और ये 10th क्लास के त्रिकोणमैत्री चैप्टर है। और मैं जो है त्रिकोणमैत्री चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिए। यदि आपको देखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बोलिए और मैं उसको जो है ना रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। एक बार आप मेरे चैनल का जो है वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कहने का मतलब ये है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, जहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, माने कि कॉस ए बराबर में कॉस बी है, तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया ट्रायंगल, ठीक है। सी को मैंने राइट एंगल लिया। अब इसका रीजन मैं बता देता हूँ अभी। ये बी हुआ, ये ए हुआ। आप ए यहाँ पर भी लिख सकते हैं और बी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने सी को इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, कॉस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, माने ए एंगल का बात किया था और बी एंगल का बात किया था। तो कहने का मतलब हम लोग को जो है यहाँ पर राइट एंगल वो सी लेना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं कॉस ए से बात करता हूँ। कॉस ए में देखिए जो एंगल होता है उसके सामने वाले परपेंडिकुलर होता है, माने यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब बी सी नहीं लेंगे हम लोग, ए सी लेंगे अपॉन ए बी। ए बी अब ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच। तो मैंने क्या बोला, जो थीटा का सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, माने यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर है। तो फिर बेस क्या है? बेस यहाँ पे ए सी है, इसलिए ए सी इक्वल टू ए बी, ओके। अब यहाँ पे ये है कॉस बी, माने इस एंगल का, इस एंगल से बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए सी, जो कि हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि कॉस थीटा इक्वल हो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हैपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे अब बी सी, और हैपोटेन्यूस क्या है? यहाँ पे ए बी, ओके। अब इससे क्या होगा यदि हम इसको कंपेयर करें, तो अब जो होगा वो ए सी इक्वल टू में ए बी बी सी है, माने कि ए सी ये साइड्स और बी सी ये साइड्स इक्वल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर माने हर जो है वो बराबर था, कट गया। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि जिस ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होता है उसका एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। यही कारण है अब यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। क्यों है? क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी, जो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया कर दिया इसको, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉट इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1+ में साइन थीटा इंटू में 1- में साइन थीटा, 1+ में कॉस थीटा, 1- में साइन थीटा। माने कि कॉट थीटा और आपने 7/8 दे रखा है, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? ये वैल्यू, दो वैल्यू दे रखा है, एक कॉट स्क्वायर भी दे रखा है। तो चलिए पहले मैं इसको दूसरे पेज पर लेकर चला जाऊँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ। वैसे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, लिख ही लेता हूँ सबसे अच्छा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, यही है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है जी?
प्रूव करना है वन माइनस में साइन थीटा, वन प्लस में कॉस साइन थीटा, और वन माइनस में कॉस थीटा वन प्लस में कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा प्रूव करना कॉट स्क्वायर, प्रूव नहीं करना वैल्यू पुट करना है इन दोनों का, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा, बार बार मुंह से प्रूव करना पता नहीं क्यों, प्रूव नहीं करना है बल्कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में पी, यहाँ पे बी क्या हो गया जी, बी के बराबर में 7 हो गया और पी के बराबर में 8 हो गया। क्या वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है h, क्योंकि p पता है b पता है, तो अब क्या बच गया h, p इक्वल h इक्वल टू में होता p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू में 8 स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू में 7 स्क्वायर। ओके, और ये कितना होगा 64 प्लस 7, 7 का क्या होगा 49, इन दोनों का प्लस करेंगे कितना होगा रूट अंडर 113 मान 113 113 एच निकल गया। चले पहले यहाँ पे हम लोग पहला यहाँ पे वैल्यू इसका निकालते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस में बी और a माइनस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, पढ़ रखा है ये फॉर्मूला 8 क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, 9 क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माने एक का स्क्वायर एक होगा और यहाँ पे बी क्या साइन थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम नीचे। ओके, अब मैं इस साइड को इरेज कर दूं जिससे लिखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी। इरेज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वन माइनस में साइन थीटा माने साइन स्क्वायर का होता पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, माने जो साइन थीटा होता है वो पी अपॉन में एच होता है, लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर है ये कर्ण का स्क्वायर है, यानी पी के स्क्वायर है और एच के स्क्वायर है। ऐसे कॉस थीटा में होता है वन माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, क्यों होता है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे में कर्ण, तो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। इस हिसाब से ये वन माइनस में पी का स्क्वायर, पी यहाँ पे क्या है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और h कितना है यहाँ पे h रूट अंडर 113, माने हम लोग तो ये चीज़ पता है ना कि किसी रूट का यदि स्क्वायर करते हैं तो वो प्लेन हो जाता है, माना अभी ये 113 हो गया। ठीक है, फिर अपॉन में 1 b यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और h के स्क्वायर कितना होगा
वही 113 क्योंकि रूट अंडर 113 का जो स्क्वायर होगा वो 113 होगा, माने जिस चीज़ का रूट, जिस रूट का स्क्वायर करते हैं वो रूट खत्म हो जाता है। अब है इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होते समय क्या होगा, 113, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन को यदि 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 64। फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 113। ठीक है, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एक, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वही 113। सिमिलर एक को यदि 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये 49 ही होगा, ठीक है, अपॉन 113। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 113 में से यदि 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 49 अपॉन में 113, और ऐसे यहाँ पे क्या होगा 64 अपॉन में 113। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, देखिए जब ए अपॉन, ये ए हुआ, ये बी, ये सी, ये डी, जब ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्म में हो, माने ए बट्टे बी बट्टे सी बट्टे डी के फॉर्म में हो, ठीक है, तब क्या होता है, ए बट्टे में बी, माने यहाँ पे क्या होगा, ये ए बट्टे में बी है, माने 49 अपॉन में 113 इंटू में सी डी बट्टे में सी, माने ये जो लास्ट का दो जो यहाँ पे होगा डिजिट वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, 113 बट्टे में 64, ये और ये कट गया, तो कितना हो गया 49 अपॉन में 64 आंसर। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या था, दूसरा था कॉट स्क्वायर, चलिए कॉट का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, माने 49 अपॉन में 64, इसका भी आंसर सेम है। ठीक है, अब ये सिक्स क्वेश्चन था या सेवन क्वेश्चन पता है, ये सेवन क्वेश्चन था। ठीक है, अब दोस्तों हम सब देखते हैं एट क्वेश्चन, कह रहे इफ 3 कॉट ए इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। कहने का मतलब ये है कि यदि 3 कॉट ए बराबर में 4 है तो चेक करना है आपको कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अभी पहले यहाँ पे था क्या, 3 कॉट ए इक्वल टू 4, ये लिख लेते हैं 3 कॉट ए इक्वल टू 4। ठीक है, प्रूव हम लोग को क्या करना है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि ये कॉट बराबर जो होगा, कॉट ए
इक्वल टू में 4 अपॉन में 3, किस लिए? क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कॉट ए यानी कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन में पी होता है, माने बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बी कितना हो गया, बी हो गया 3 और सॉरी बी हो गया यहाँ पर 4 और पी हो गया 3। हम लोग को क्या निकालना है, एच निकालना है। एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी क्या है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर यानी 9, और बी क्या है यहाँ पे, बी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 और 16 कितना होगा 25, और 25 किसका रूट होता है, 25 होता है 5 का रूट। ओके, अब हम लोग के पास सब कुछ है, पी है, बी है, अब एच का भी वैल्यू आ गया 5। चलिए अब हम सब पुट करते हैं वैल्यू इसमें। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का जो फॉर्मूला होता है 10 थीटा इक्वल टू में पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी लेकिन स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है इसलिए। सिमिलर यहाँ पर भी होगा जी, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इधर भी वैल्यू पुट करते हैं, तो इधर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में एच, माने बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और साइन इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ओके, यदि आपको ये सब समझने में प्रॉब्लम है तो मैंने एक जो है वीडियो बनाया है, ठीक है, वो पहला ही वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री लिखा होगा, उसमें आप पहले चेक कर लीजिए, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी छोटा मोटा डॉट है, तो पहले सारे मेरे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीछे के जितने भी वीडियो उनको पहले देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा सही से। अब यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस पी स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माने 1 माइनस 9। ओके, अपॉन में एच कितना है, सॉरी बी कितना है यहाँ पे, बी है हमारे पास 4, 4 कितना होगा 16, सेम टू 1 प्लस में 9 अपॉन में 16। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा वैल्यू बी स्क्वायर कितना है, माने 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 25, पी कितना है यहाँ पे, पी का स्क्वायर यानी 9, और एच कितना है यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना होगा 1, और हम लोग को पता है ना इस तरह के जो सम्स होते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माने कितना होगा 16, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 16, सेम टू सेम इसमें भी करना है, तो ये कितना होगा, ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, 16 प्लस में 9 अपॉन में 16, और इधर क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए क्या होगा 25, और ऊपर का जो है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 6 माइनस 9, अब ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा 7 अपॉन में 16 और 25 अपॉन में
सिक्सटीन इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना होगा, सेवन अपॉन में 25। अब चलिए इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिखूं, तो क्या होगा यहाँ पे 77 अपॉन में 16, और नीचे का जो 2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माने पलट जाएगा, तो क्या होगा 16 बट्टे में 25 इक्वल टू में 7 अपॉन में 25, ये और ये कट गया तो कितना होगा 7 अपॉन में 25 इक्वल टू 7 अपॉन में 25। हम लोग को यही तो प्रूव करना था, ठीक है या नहीं, तो हाँ है ना, क्या तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ 10 a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस ए सॉरी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ऐसे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में बी समकोण है और 10 a बराबर में 1/√3 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, एक इसका एक इसका, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, पहले हम लोग को क्या बनाना है, एक ट्रायंगल, ओके। इसमें यहां पे बी लेंगे क्योंकि पहले बता रखा है कि बी समकोण है यानी राइट एंगल है, ठीक है। अब 10 a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, माने यहां पे एंगल किसका बात किया, ए का बात किया ना, तो ए कहाँ होगा यहां पर, क्योंकि जिस एंगल को कंपेयर करते हो उसको हम लोग यहां रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 a इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में बी, तो यहां पे पी कितना होगा 1, बी कितना होगा 3 होगा, क्या चाहिए हम लोग को, एच एच चाहिए, तो एच इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी कितना है यहाँ पे 1, 1 के स्क्वायर 1, और बी स्क्वायर माने √3 के स्क्वायर। यदि हम कोई रूट को स्क्वायर करते हैं तो रूट हट के केवल वो संख्या रह जाता है, तो कितना होगा 3 यहाँ पे, और 4 बराबर 2, माने यहाँ पे एच भी निकल गया 2, ठीक है। तो यदि पी देखा है तो यहाँ पे बी और सी पी है, और बी ए बी क्या है √3, और एच कितना हो गया 2, एच कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग, हाँ एक चीज और हम लोग को समझना है, वहां पे क्या बात कर रखा है क्वेश्चन में, 10 सॉरी साइन ए और साइन सी, तो एक ए वाला तो फिगर ये बन गया, तो मैंने ए यहाँ पर लिख दिया। अब सी वाला कह रहा है तो सी यहाँ पे लिखेंगे, और पहले बता रखा है कि बी समकोण है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और ए चेंज हो गया, ठीक है। अब बी सी कितना है यहाँ पे √3, देखिए यहाँ पे बी और सी कितना है 1, तो ये 1 होगा, ऐसे ए और बी कितना है √3, तो ये √3 हो जाएगा, और ए सी क्या है यहाँ पे 2, तो 2 होगा। चलिए अब सम्स को हम लोग नोट करते हैं, सम्स क्या है हम लोग के पास, ये सम्स है, तो मैं सम्स को दूसरे पेज पर ले लूं,
और देखता हूँ कुछ, ऐड टू करेंट पेज, ऐड टू न्यू पेज, और यहाँ पे कुछ ऐड टू लाइब्रेरी, पता नहीं, फिलहाल न्यू पेज में करके देखते हैं। मैंने एक अलग से पेज बन गया क्या, पता नहीं कहाँ गया सम्स, ये रहा सम्स, ये सम्स तो यहाँ पे नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। चलिए छोड़िए, कॉपी करते हैं यहाँ पे, फिर इसी को पेस्ट कर देते हैं। हाँ आ गया, ठीक है, ये हमारे पास सम्स है। तो इसी सम्स को हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए पहला सम्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। पहला सम्स क्या है यहाँ पे, साइन ए, माने इस वाले से बात करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो पी अपॉन में एच हम लोग लिख देंगे। ओके, ऐसे कॉस सी, माने इससे बात करेंगे हम लोग, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। ऐसे कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन में एच, और साइन सी, साइन सी माने इससे बात करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। हाँ एक बात और भी बता दूं कि यहाँ पर मैंने पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच जो लिखा है, यहाँ पे ये चेंज करके लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो फिगर है, तो आपको क्या करना है कि पी अपॉन एच लिखने से अच्छा है कि जिस ट्रायंगल से बात करें उसका पी क्या है, ए का पी सी बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बी अपॉन ए सी। ओके, और कॉस सी का बात कर रहा है, कॉस सी में बी क्या है, तो ये भी सी बी है, सी बी अपॉन ए सी। ओके, अब यहां पे देखिए किसका कर रहा है, कॉस ए का बात कर रहा है, कॉस ए का बात कर रहा है, तो कॉस ए किसमें, इसमें, तो इसका बी क्या है, ए बी और ए सी, ठीक है। ऐसे आप कह रहे हैं साइन सी, साइन सी किस में बात कर रहा है, तो इस ट्रायंगल में, और इसका पी क्या है, ए बी, माने ए बी अपॉन में ए सी। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये सी बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी एलसीएम में आ जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सी बी का स्क्वायर सी और बी का स्क्वायर कितना होगा, वन का स्क्वायर माने वन, और ए बी सी ए बी का कितना होगा, रूट थ्री का स्क्वायर माने थ्री, और ए सी माने दो का स्क्वायर माने चार, फोर अपॉन में फोर, डिडक्ट होकर कितना हो गया वन, तो ये एक बन गया, ठीक है। अब कौन सी है, पहले रबड़ ले लूँ, अब कुछ बड़ा सा रबड़ लेता हूँ जो जल्दी मिट जाए, ये रहा। ये रहा, अब मैंने मिटा दिया, अब पेंसिल लूँ और फिर इसका स्टार्ट करूँ। कॉस ए, ठीक है, कॉस ए में माने इसका बात कर रहा है, तो क्या होता है, इसका
बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे ए बी, चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए बी अपॉन में ए सी। नौ अब देखते हैं सी इसका बात कर रहा है तो क्या होगा, ये इसका क्या होगा बेस कॉस सी, तो यहाँ पे सी बी, सी बी अपॉन में ए सी, और इसमें ए का बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या है सी बी अपॉन में ए सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है जे साइन सी, साइन सी माने इसमें ए बी अपॉन में ए सी, ओके। यदि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तब पर भी जीरो ही आना है, और नहीं पुट करेंगे तब पर भी जीरो आना है, क्यों इसका रीजन बता दूं। देखिए यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए सी है और यहाँ पर सी बी अपॉन ए सी है, सेम यहाँ पर भी है, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो आएगा, तब पर भी आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देना उसके बाद जीरो कीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। चलिए इस क्वेश्चन को ही मैं उठा के दूसरे जगह लेके चल जाऊं, तो फिलहाल मैं यही करूंगा। ओ ये नहीं, ये कट किया। अब क्या करना है मुझे, ऐड टू करेंट पेज, न्यू पेज, करेंट पेज ही सही है जी, ऐड कर दिया, पता नहीं कहाँ गया ये रहा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट हो जा, पता नहीं बहुत टाइम लग रहा है, कॉपी, और दूसरे पेज पर ले जाऊं मैं इसको, इरेज ऑल, नो पेस्ट। अब मैं पेस्ट कर लिया इसको, कुछ बड़ा कर लेता हूँ जो दिखाई दे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। अब ये रहा, अब देखिए पहले क्या रहा, एक ट्रायंगल बनाते हैं, चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल, इसमें क्या रहा कि क्यू, ये रहा क्यू राइट एंगल है, वो भी कर लेते हैं राइट एंगल, साथ में क्या रहा कि टेन पी साइन पी कॉस पी और टेन पी कैलकुलेट करना है, माने इस बार एंगल को यहीं रखना है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो ये बचा हुआ क्या हो गया आर, और यहाँ पे कह रहा है पी क्यू इक्वल टू फाइव, माने ये पाँच दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बात दे रखा है गिवन देख के या हिंदी में दिया हुआ है ये देख के लिखेंगे, गिवन पी क्यू इक्वल टू फाइव, और एक चीज और भी दे रखा है यहाँ पे, वो है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब बात यह है कि पी आर और क्यू आर ये दोनों एक में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पहले ये लिख लें कि लेट मान लेते हैं कि क्यू आर या पी आर किसी एक को मान लीजिए बी एक्स, ठीक है। हिंदी में जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें हम यदि क्यू आर का वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो कर देते हैं एक्स, ठीक है, यदि इसका एक्स वैल्यू पुट करते हैं तो पी आर बराबर में कितना होगा
पी आर बराबर में होगा 25 माइनस एक्स, माने ये रहा पी आर 25 माइनस एक्स, पी आर हो गया। क्यू आर को हम लोगों ने एक्स माना है, एक्स मान लेंगे। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। कहने का मतलब मेरा ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके सेम परपेंडिकुलर माने लंब का स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे पी क्यू जो कि बेस है 5 का स्क्वायर। ओके अब ये देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है तो 25 के स्क्वायर 625, क्यों क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस 2ab माने 2, ए कितना यहाँ पर 25, बी कितना यहाँ पे एक्स, माने 25 दुना 50 एक्स, हम लोगों ने ये भी लिख लिया। अब प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यों क्योंकि ये जब प्लस में है तो इस साइड माइनस आएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है अब क्या करना है हम लोगों को कि ये 25 को इस साइड ले आना, तो यदि 25 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना होगा 625 में से 25 गया तो 600, 600 दिख भी नहीं रहा है, हाँ 600, और ये माइनस में था तो इस साइड प्लस में माने 50x। ओके और x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू होगा 600 बट्टे में 50 और ये कट जाएगा तो 512 या 60, तो माने ये 12 आ गया। यदि x 12 है तो ये कितना होगा 13, क्यों क्योंकि 25 में से 12 गया तो 13। ओके अब हम लोग क्या बोला है निकालने के लिए साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए साइन पी कॉस पी टेन पी सभी में पी लिख दूं मैं, ये पी 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 साइन इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन में एच, माने परपेंडिकुलर अपॉन में एच। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 25, सॉरी 12 है, 25 ने तो 12 बत्ते में 13, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है यहाँ पे कॉस का क्या होता है बी अपॉन में एच, माने बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस तो यहाँ पर 5 है माने आधार 5 है और कर्ण कितना है यहाँ पे 13 और क्या होता है ये 10 इक्वल टू पी अपॉन में बी। पी क्या है यहाँ पे पी है 12, बी है 5। इसी तरह से दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हुआ और यदि आपको समझने में तब पर भी कोई भी प्रॉब्लम है 8.1 से तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जब भी कमेंट्स पढ़ूंगा तो उसका रिप्ले करूंगा और देखूंगा कि यदि समझने में ज़्यादा दिक्कत है तो फिर से मैं वीडियो को अपलोड करूंगा सही से बना के। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ये ऐसा करेंगे तो मेरे लिए हल्का सपोर्ट मिलेगा, बस ये समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।